अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहावलपुर में पप्पू अंडा शामी जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, आज हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ हम सर्वे करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका जो है जो अंडा शामी क्यों इतना मशहूर है कि फेमस है, और आपको हम जो है पप्पू भाई से मुलाकात भी करवाएंगे और आपको मुकम्मल डिटेल का इस यहाँ पर विजिट करवाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल क्लिक कर दें। आज हम पहले इस भाई से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि किस तरह ये बनाते हैं और इनका कितना तजर्बा है और ये कितनी देर से यहाँ पर पप्पू भाई के साथ काम कर रहे हैं। तो भाई जान नहीं, काम नहीं करना आपने। चलो पहले पप्पू से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका ये अंडा शामी बहुत मशहूर है, हमने यूट्यूब पर वीडियो देखी और हम यहाँ पर आए आपके साथ मिलने के लिए, ठीक है? तो इसमें ऐसी क्या खास बात है? इसमें सबसे बड़ी बात है भाई, हमारे खलूस है, प्यार है इसमें। जी जी, और सही चीज़ होती है इसमें, ये जब भी रखा बिल्कुल ये अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर इतने लोग जो भीड़ इकट्ठी हुई है, ठीक है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ आप देते हैं इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। और यही बात आपकी ठीक है कि आपका मोहब्बत प्यार भी इसमें सब कुछ है, ठीक है? आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं 1986 से। और आपका ये मशहूर कब हुआ? ये हमारे पास आते थे यूनिवर्सिटी के लड़के, आते थे वो खाते थे खाने के ना, दाल शामी अंडा वगैरह बनवाते थे वो जी, तो इसलिए मशहूर हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होते चले गया, ठीक है जी। भाई जैसा कि भाई ने कहा कि 1986 में ये अंडा शामी बना और ये अभी जो है आप जगह थोड़ी देर पहले मशहूर हुआ, ठीक है? आप पूछेंगे कि ये बनाते कैसे हैं जी भाई जान? ये देखो आपके सामने ये बन रहा है, देखो ना ये जी जी। आप इसमें क्या क्या चीज़ डालते हैं? इसमें होती है भाई दाल होती है और चिकन होता है और बीफ होते हैं, रोटी होती है। हाँ मुझे पता है आपके लिए जो ये टाइम बिल्कुल कीमती है, ठीक है? मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेहरबानी आपकी, आपने थोड़ा मुझे टाइम दिया, ठीक है? और यहाँ पर क्या हिसाब किताब है इसका, रेट शेट किस हिसाब देते हैं आप? ये फुल प्लेट होती है, दो बंदे आराम से खा लेते हैं हमारे पास। ये कितने रुपए आ गई? 160 रुपए की प्लेट होती है जी, 160 रुपए की प्लेट होती है और एक जो है एक प्लेट से दो बंदे जो है फुल खा लेते हैं। हम इन यहाँ पर जो लोग खा रहे हैं, हम इनका जो इंटरव्यू करेंगे और पूछेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ खाने का, तो आओ फिर पूछते हैं। ये भाई हमारे पास मौजूद हैं और हमसे पूछेंगे कि ये जो है अंडा शामी पप्पू भाई का जो बड़ा फेमस है यहाँ पर खाया है, और ये लोग आउट ऑफ सिटी हैं, बहावलपुर के नहीं हैं, बाहर से आने हैं अंडा शामी खाने के लिए, ठीक है ना? तो फिर भाई जान आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? भाई एक्सपीरियंस वाला अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक बेहतर रहा है और फर्स्ट टाइम ही हम आए।
देखिए इंशाल्लाह, अभी सोच रहे थे कि सेकंड टाइम भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे हम। लो भाईजान, भाई को इतना पसंद आया कि भाई कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम खाया है, अभी सेकंड टाइम भी खाने का मूड है।